महामाय महायोगिन्यनिस्वरी नंदगोपसुतम देवी पतिम मे कुरुते नमः। इस मंत्र का जो नित्य जप करता है उसको सुंदर पति मिलता है। गोपियों ने भी इस मंत्र का जप किया है। कन्हैया ने कई बार समझाया, गोपियां समझ नहीं पाई। तब जाके कन्हैया ने एक दिन जब गोपियां स्नान करने गए थी, कपड़े चुरा के करम के वृक्ष के ऊपर रख दिया। ये कथा हम सबने सुना है। गोपियां स्नान करके बाहर आने लगी, वस्त्र नहीं मिले। कन्हैया से कहा, कन्हैया वस्त्र दे दो। भगवान बोले, आके ले जाओ। और गोपियां आई और वस्त्र ले गई। ये प्रसंग हम सबने सुना है। अब इस प्रसंग को समझने की कोशिश करें। देखो, भगवान हमारे माई बाप है, लेकिन नहीं बताओ, गोपियां छोटी छोटी हैं। ध्यान देना मेरी बात, 5-6 वर्ष की गोपियां हैं। भगवान माँ भी हैं, पिता भी हैं। तो 5 साल की बच्ची को अपने माँ के सामने बिना कपड़ों के जाने में कोई शर्म आती है? बताओ, नहीं आती ना। तो फिर कैसी गलती? दूसरी बात, आप कहोगे नहीं, भगवान है तो अपनी जगह है, पर इंसान बन के आए थे तो ऐसे कर्म नहीं करने चाहिए थे। तो जब भगवान ने कपड़ा चुराया था, तब भगवान की उम्र केवल 5 वर्ष की थी। अब बताओ, 5 वर्ष के बच्चे को कोई समझ में आता है कौन लड़का कौन लड़की, कपड़े चुराने से क्या समझ में आता है? बताओ, तब भगवान की उम्र केवल 5 वर्ष की थी। मेरी बात आप समझने की कोशिश करें। आजकल लोग आरोप लगाते हैं बिन जाने, आधा सुन लेते हैं और काम बिगाड़ देते हैं। अंग्रेजी में कहावत है, लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग। संस्कृत में भी है, अल्प विद्या भयंकर है। आधा जानना बड़ा खतरनाक होता है महाराज। गाड़ी चलानी आती है, ब्रेक लगानी नहीं है, एक्सीलेटर दबाना आता है, एक्सीडेंट हो जाएगा, पूरा आना चाहिए। तो इस तरह तो महाराज, एक बात तो यह, एक बात समझाने की प्रयास करता हूं, बस 2 मिनट। एक बाबा जी के पास एक राजा मड़ी ले आके दे गया। संत को उस मड़ी की कोई आवश्यकता नहीं, संत भगवान ने फेंक दिया। और एक भिखारी आया, बाबा हम बहुत दीनहीन हैं, कुछ दे दो। बाबा ने कहा, एक मड़ी पड़ा है, ले जा। बाबा, इस मड़ी से क्या होगा? बोले, इससे लोहा टच करा दियो, सोना हो जाएगा। ठीक है, लेके गया। रस्ते में सोचा, डिब्बे को देखा, समझने की प्रयास करें। बोला, ये डिब्बा ही लोहे का है, वो छोटी सी लोहे की डिबिया को ये सोना नहीं कर पा रहा है। अब मैं कुंटलों सोना निकालने की सोच रहा था, मामला गड़बड़ हो गया। दौड़ के बाबा जी के पास गया। बाबा, आपने कहा इसके भीतर मड़ी है, तो मड़ी से लोहा स्पर्श होते ही सोना बन जाएगा, पर ये लोहे के डिब्बे में है, इतनी छोटी सी डिबिया को सोना नहीं कर पा रहा है, तो ज्यादा लोहे को सोना कैसे कर पाएगा? एक संत ने कहा, देख बेटा, इसके भीतर मड़ी है, ये भी सच है, पर ये लोहे का डिब्बा जैसे ही टच करेगा सोना बन जाएगा, ये भी सच है। लोहा उस मड़ी से स्पर्शित होगा तो सोना बन जाएगा, ये भी सच है, पर इस लोहे के डिब्बे के भीतर मड़ी, ये भी सच है। तो बाबा, फिर ये डिब्बिया सोना क्यों नहीं बन पा रहा है? संत ने कहा, बेटा, इस लोहे के डिब्बे और मड़ी के बीच में एक पतला सा सूती का कपड़ा है, इस कपड़े से मड़ी को लपेटा है, उसके वजह से ये लोहा मड़ी को छू नहीं पा रहा है, मड़ी का स्पर्श नहीं कर पा रहा है, इसीलिए ये डिब्बा ये लोहा सोना नहीं बन पा रहा है। जैसे ही, समझना, लोहे के डिब्बे और मड़ी के बीच में से वो पतला कपड़ा निकल जाएगा, लोहा सोना हो जाएगा, उसी प्रकार इंसान और भगवान के बीच में एक माया का पतला सा पर्दा पड़ा है। कोई साधु पुरुष आके जिस तरह पर्दे को हटा देगा, इंसान दिव्यात्मा बन जाएगा। बस भगवान ने गोपी और अपने बीच का वो पर्दा हटाया और कुछ नहीं। समझ में आ गया? बोले, चीर चिरैया भगवान की जय हो। नंद बाबा सुबह सुबह घर पे